हिना खान भारतीय सीरियल जगत का वो चेहरा जिसमें हर इंसान एक आदर्श के तौर पर देख रहा था, वो आज बिग बॉस के घर में है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाने वाली हिना में हर भारतीय ने एक आदर्श बहू देखी, एक आदर्श बेटी देखी। 8 साल तक लगातार इस सीरियल में काम करने के बाद हिना ने इस सीरियल को अलविदा कहा। 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर में पैदा हुई हिना की प्रारंभिक पढ़ाई को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन्होंने 2009 में CCA स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव से MBA की डिग्री हासिल की। हिना शुरुआती दौर में पत्रकार बनना चाहती थी। हिना खान एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार ने इन्हें इनके हर फैसले में अपना समर्थन दिया है। हिना खान की रुचि अभिनेत्री बनने में नहीं थी और न ही इनकी रुचि कभी अभिनय की तरफ गई थी। हिना की किस्मत को शायद उस मोड़ का इंतजार था जब उनका डेब्यू 2009 में टेलीविजन में हुआ। हिना खान एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन मलेरिया हो गया और तभी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड अभिनेत्री का किरदार मिल गया। इस सीरियल में इन्होंने एक लंबे समय तक अपने सह अभिनेता करण मेहरा के साथ काम किया, जो कि बिग बॉस 10 के प्रतिभागी रह चुके हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल काफी सफल भी रहा। इसमें लगभग 8 वर्षों तक लगातार काम करने के बाद इन्होंने अन्य प्रोजेक्ट के लिए इस सीरियल को छोड़ दिया। एक प्रभावशाली अभिनेत्री होने के साथ ही हिना एक बेहद अच्छी डिजाइनर भी है, किंतु इन्हें इनके अभिनय की वजह से अधिक जाना जाता रहा है। इन दो सीरियल के अलावा भी इन्होंने परफेक्ट ब्राइड, सपना बाबुल का वारिस जैसे सीरियल में अच्छा अभिनय किया। इन्होंने रियलिटी शो के दौरान मास्टर शेफ, इंडिया बनेगा मंच और खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया। इन्हें वर्ष 2013 में टॉप 50 सेक्सीएस्ट एशियन वुमेन की सूची में शामिल किया गया था। हिना खान को उनके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए कई अवार्ड प्राप्त हुए। इन्हें न्यू टैलेंट अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड हासिल हुआ, साथ ही इंडियन टेली अवार्ड की तरफ से बेस्ट न्यू कमर भी हासिल हुआ। वर्ष 2010 में इन्हें स्टार परिवार अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट पत्नी अवार्ड भी हासिल हुआ। 2014 में हिना को बेस्ट एक्टर पॉपुलर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि हिना अपनी निजी जीवन की बातें मीडिया में नहीं करना चाहती, किंतु उनके द्वारा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करते हुए सीरियल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल के साथ इनके रिश्ते सामने आए थे। बाद में दोनों ने इस बात को माना था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द शादी भी करने वाले हैं। हिना की फोटो और वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर धूम मचाती दिख जाती हैं। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक पर हिना के फैन की कमी नहीं है और हिना भी इन पर फोटो से लेकर वीडियो तक अपलोड करती रहती हैं। हिना के जिम के वीडियो से लेकर बिकनी तक की फोटो आपको देखने को मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर हिना के 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब हिना बिग बॉस के घर में है। देखना ये है कि हिना इस घर में किस तरह से बिहेव करती हैं और कितने दिनों तक टिकी रहती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।